हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी तो मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम सही हो, स्वस्थ हो। और सुबह की शुरुआत हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं भी सब्जी बन। आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह, ये बनाई है हमने आलू और कैप्सिकम की सब्जी, और ये बनाई है चने की दाल में जो लौकी डाल के बनाते हैं वो, तो ये हमने सिंपल बनाई है। और छौंक हम तड़का अलग से लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने मिर्च निकाल ली है, धनिया काट ली है, प्याज लहसुन काट लिया है। तो ये देखिए हमारा प्याज रखा है, लहसुन, मिर्च और मसालदानी। और हमने वो शिमला मिर्च वाली कढ़ाई खाली कर ली थी, उसी में मैं सब्जी खाली करती थी, उसी में छौंक लगा ले रही हूँ, इसलिए आपको कढ़ाई ऐसी दिख रही होगी। तो प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, और इसको तब तक चलाएंगे पक नहीं जाए, साथ में जीरा भी डाल दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हम एक साथ चलाते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि जब हमने दाल और लौकी साथ में पकाई थी तब हमने नमक ऐड कर लिया था। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। अब देखिए इसमें ऐड कर ली हल्दी, जिससे कि थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए, मतलब थोड़ा सा मसाला दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है। और देखिए इसमें ऐड कर दिया है हमने दाल, तो इसको हम तब तक थोड़ा सा जब तक वेट करेंगे गरम मसाला ऐड करने के बाद कि थोड़ा। और ये देखिए इसमें हमारी खोल आने लगी है, बस 2 मिनट के लिए हम खोलाएंगे और ये बंद कर देंगे। और खाना बन गया है एज यूजुअल, सुबह के लंच पैक हो गए हैं। ये देखिए वो लौकी, दाल वाली लौकी की सब्जी इसमें रख दी है, बाकी शिमला मिर्च मीन्स कैप्सिकम आलू की सब्जी इसमें, और रोटी। और नाश्ते में हम कर रहे हैं एक आलू का पराठा और गरम गरम चाय। आज है थर्सडे एंड 19th of March, और कोरोना वायरस में अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। लेकिन ये है कि मैं रोज़ अपडेटेड कर देती हूँ, न्यूज़पेपर आ जाता है इस टाइम, तो मैं उसमें ही देखती हूँ। तो अभी तक ये है कि सिर्फ 10 patients और मोर रिकवर हुए हैं, रिकवर इन द सेंस कि पता चले हैं कि अभी 10 को और हो गया है, पॉजिटिव आया है उनका टेस्ट। लेकिन फिर भी मीन्स इंडिया को देखते हुए काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, बट लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप कि सब कुछ जल्दी से सही हो जाए। और जिस हिसाब से वेदर, ये सिर्फ अज्यूम किया जा रहा है कि वेदर मीन्स गर्म होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, बट लेट्स सी। तो बस फिर से रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए, और टाइम हो गया है 7:45, और बस 10 मिनट्स में मेरे को निकलना है। मैं रोज़ आपको इस टाइम में ही मिलती हूँ, और मैं आपसे प्लीज़ रोज़ कहती हूँ कि आप मेरे को कमेंट करके बताया करिए कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग्स, या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप वो भी बताया करिए। और आ रही है नवरात्र, तो नवरात्र की प्रिपरेशन करनी है, अभी थोड़ा सा टाइम है, बट लेकिन फिर भी नवरात्र आ रही है। और इस बार ऐसा डिस्कशन हुआ है मीन्स हमारे जो राम मंदिर को लेकर, कि 3 तारीख को स्फटिक जहाँ पे एक विराजमान करे जाएंगे राम भगवान, तो देखते हैं उसमें गैदरिंग का, क्योंकि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सब चल रहा है तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। बट एक अच्छी, लेकिन अच्छी खबर है कि राम मंदिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा बनना, और उनको टेम्परेरी उधर शिफ्ट किया जाएगा। तो कोई नहीं, चलिए मैं नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आपसे दोपहर में, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना ही टाइम होता है, मैं आपसे इतना ही मिल सकती हूँ। तो चलिए। और आज हम लोग स्कूल से जब आई थी, मैं आई थी, दोनों सो रहे थे, इनके साथ मैं सो गई थी, और जब मेरी आँख खुली तो लगभग इनके सर आने वाले थे, और ये सर आ गए थे फिजियोथेरेपी वाले। तो ये देखिए ये फिजियोथेरेपी कर रहा है। और हो गया है शाम का टाइम, पापा आ गए हैं, मैं लौट के आके ना आप लोगों से वो आप लोग के साथ नहीं बनवा पाती, मतलब मिल नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही आती हूँ बच्चे तो सो रहे होते हैं, तो बस मैं शांति से धीरे से कर लेती हूँ। और बना रही हूँ मैं चने के दाल के पराठे आज शाम को, मैं स्नैक में सिर्फ बस एक एक बना रही हूँ इस तरीके से कि वो हैवी भी ना हो। ये देखिए चने, अब तो थोड़ी बची है, मैंने इसमें सब फिलिंग कर दी है। चने की दाल तो वही है सिंपल सा, आप उसको भिगो लीजिए, जैसे रात में आप भिगा दीजिए और सुबह उसको छोंक दीजिए, सुबह मतलब जब भी आपको फिलिंग करनी हो। तो ये देखिए, और उसमें कुछ नहीं, हमने थोड़ा सा गर्म मसाला, नमक और ये सब डाला है, हींग वगैरह, बड़े अच्छे बनते हैं, एकदम फूले फूले से बनते हैं। और अच्छी चीज़ ये होती है इसकी, फैलता बहुत है, जब आप उसको खोलोगे ना एकदम, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो एक मैं पराठा को खोल के दिखाती हूँ, ये बच्चों का है तो ये ऐसे एकदम फैलता बहुत है, तो अच्छा रहता है। ये बच्चों का है, इसमें मिर्ची नहीं है। यार शाम को ना, मतलब जब पापा आते हैं और हम लोग का भी वो आदत है, तो थोड़ा सा कुछ मन करता है तो काफी कुछ मम्मी तैयारी कर देती हैं,
और बाकी कुछ बचा हुआ मैं कर लेती हूँ। अभी तो इस टाइम सब बाहर साइकिल चला रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में वैसा तो उतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि हम लोग को फिजियो के लिए जाना रहता था, तो बच्चे साइकिल वगैरह थोड़ा सा भी आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते थे। बट यहाँ पे तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे थोड़ा खेल लें, उसके बाद जैसे मैं खिलाऊंगी उनको और उसके साथ मैं एक फ्रूट्स दे देती हूँ उनको, जब सो के उठते हैं तब तो मैं दूध दे देती हूँ और अभी मैं दे दूंगी एक फ्रूट, तो जिससे कि क्या है पेट भर जाता है, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाऊंगी तब जाके रात में करीब 8, 9:30 खाना बनाना खिलाना ये सब करूंगी। एकदम गोल अच्छे पराठे एकदम अच्छे बनते हैं इसके, अच्छे सीखते हैं। आप इसको बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में भी दोगे तो वह बहुत खुश होकर एकदम खाते हैं। तो यही है बाकी, और आप बताइए क्या आप लोग के क्या हालचाल है, क्या आप क्या हो रहा है और आप क्या बना रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया है तो आप भी कोशिश करिए कि जो राशन का सामान है थोड़ा सा बड़ा बड़ा जैसे दाल चावल वगैरह उसका आप लोग भी स्टॉक कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा ले लिया है थोड़ा सा स्टॉक कर लीजिए कि इनकेस मान लीजिए कभी कोई शॉप क्लोज हुई या कभी जहां से भी आप लेते हो जिस हिसाब से ऑर्डर्स डेली डेली कुछ नए नए आ रहे हैं कि मॉल्स बंद हो रहे हैं ये हो रहा है तो आप वैसा कर लो और रख लो। तो चलिए बस 1, 2, 3 और एक पराठा और बनना है, मेरे पराठे रेडी है, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये देखिए इन दोनों को मैं खिला रही हूँ सिवैया वाले खीर, इनको मिट्ठू बहुत पसंद है, खाना खा चुके थे उसके बाद कर रहे हैं देव तो मिट्ठू नाम ले लो ना तो इतना खुश हो जाता है। तो देखिए दोनों खा रहे हैं खीर और मेरे सारे काम निपट गए हैं और ये देखो आज तो ऐसा निपट गया है कि ये देखिए ये सो भी गए हैं, देव सो रहे हैं नानी नाना के पास और अभी बज रहे हैं रात के करीब 9:40 हो रहा है, बच्चे जल्दी सो गए थे और हम लोग का खाना वाना हो गया था तो मैं थोड़ा सा अपना स्कूल का काम कर रही थी। बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आज से हम लोग का स्कूल ऑफ हो गया है, ऑफ हो गया मीन्स क्योंकि आप समझ रहे हो कि इतना कोरोना का जो भी चल रहा है अभी कोई कुछ नहीं कह सकता क्या है, तो अभी ऑफ हो गया है और 31 मतलब ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि कब तक होगा बट अभी तो है मीन्स फॉर फर्दर टिल नोटिस ऐसा बोला गया है टिल फर्दर नोटिस तो तब तक के लिए है। तो अभी कुछ दिन 2-4 दिन तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि रिलैक्स है और जितना भी वर्क था ना वो हम लोग को बोल दिया गया कि आप लोग घर से करिए, तो जिससे कि क्या है हम लोग पूरा अपडेटेड रहेंगे कि आगे के लिए क्या है और हम अपने आप को अपडेट मीन्स वहाँ पे रिपोर्ट भी करते रहेंगे थ्रू व्हाट्सएप फ़ोन्स कॉल्स एवरीथिंग कि कैसे क्या काम चल रहा है क्या नहीं है। और मुझे आपसे डिस्कस करना था, डिस्कस नहीं अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी यार कि पर्टिकुलरली मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का क्योंकि ऐसे हम नहीं ले सकते हैं किसी का भी, बट आप लोग तो आज न्यूज़ देख ही रहे होंगे मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है एक एजुकेटेड पर्सन, मतलब आप अपनी चिंता मत करो कोई नहीं है बट सोसाइटी मतलब आप सोसाइटी में जा रहे हो हाँ मतलब एज अ मदर मैं सच बताऊँ शायद मेरे को अपने लिए इतना बिल्कुल डर नहीं लगता है बट मुझे इन बच्चों का डर लगता है कि नहीं ये बच्चे छोटे छोटे हैं और मतलब हम नहीं देख सकते हैं किसी भी चीज़ को ऐसे इस तरीके से सामने, मतलब आप पूरी सोसाइटी में जा रहे हो घूम रहे हो यू आर हाइडिंग आप छुप रहे हो, मतलब इट्स वेरी डिसगस्टिंग इट्स रियली डिसगस्टिंग कि आप कैसे क्या हो सकता है। बट ठीक है लोगों की पता नहीं क्या उस टाइम मेंटल स्थिति रही होगी क्या है बट अभी मैं बस यही सोच रही हूँ क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं और लखनऊ तक वायरस आ गया है तो इट्स नॉट कि कानपुर इज़ अ बिग थिंग या कानपुर और लखनऊ में बहुत डिफरेंस है, तो बस मैं ना अभी बैठ कर यही सोच रही थी कि यार ऐसा नहीं हो मीन्स अब ना ये सब रुक जाए या फिर कहीं कुछ हो या फिर हो सकता है कि वो जो उस दिन जनता कर्फ्यू हो रहा है ना या जो पीपल इतने अवेयर हो रहे हैं पर्सन इतने अवेयर हो रहे हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन को सपोर्ट करें अंदर रहें नहीं जाएं बाहर तो उसका कुछ रिजल्ट आ जाए जिससे कि ना अब कुछ ऐसा लगता है शाम को खोलो या सुबह खोलो तो ऐसी कुछ न्यूज़ मिले कि नहीं नहीं ना और ये रुकने लगा है थोड़ा सा थमने लगा है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है मीन्स अब लोग पीपल्स इतने डर गए हैं भले ही आप कई सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं नहीं कोई घबराने की बात नहीं है ऐसे सिम्टम्स लो मतलब अब भी ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी को खांसी या नॉर्मल जुकाम भी हो रहा है ना तो लोगों को एकदम डर लग रहा है और पब्लिकली आप बात कर रहे हो अगर फैमिली में बैठ के लोग भी मतलब किसी से अगल बगल जो रहते हैं मिल रहे हैं और वहाँ ऐसा हो रहा है तो भी लोग एकदम कह रहे हैं नहीं नहीं आप दिखाओ ये करो वो करो तो बहुत ही ज़्यादा जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है मतलब
मैंने तो नहीं देखा था अभी तक अपने टाइम में ऐसा, कि ऐसा कभी इतना आया हो कि चीज़ें ऐसी रही हो। हमेशा हम लोग सेफ फील करते रहते थे, बट ये ऐसी चीज़ है कि कोई इसको ऐसे रोक भी नहीं सकता है, कोई पीपल्स इससे ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लीज़, मतलब अभी तो आप लोग देख ही रहे होगे हर जगह सोशल मीडिया में, वीडियोस में, हर जगह यही डिस्कस हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए और प्रिवेंशंस लीजिए जो भी है। तो प्लीज़ आप लोग करते रहिए, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर ही रहे होगे। और प्लीज़ ये संडे को जो हो रहा है उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ने ऐसा सुना है कि ये 12 घंटे एग्जिस्ट करता है, और जो लॉकडाउन पीरियड रखा गया है, कर्फ्यू रखा गया है, वो 14 घंटे का रखा गया है। तो हो सकता है शायद थोड़ा धीमा पड़े। और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लग रहा है, सिम्टम्स जो 4-5 हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट आप अपने आप को सही कर पाओगे और दूसरे भी सेफ बने रहेंगे। तो यही करते रहिए, बाकी मिलती हूँ मैं आपसे कल। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। टेक केयर, आप हाथ धुलिए, और भी जो चीज़ें हैं प्लीज़ मास्क वेयर करिए, यही कर करके आप बाहर निकलिए। और मेरा तो मानना है कि जब तक ज़रूरी ना हो आप बिल्कुल बाहर नहीं निकले। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कल, बाय।